हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग भी सैमसंग का नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, वो भी 30,000 रुपए से कम के प्राइस में, जिसमें बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ बेस्ट कैमरा सेटअप भी आता हो, तो आज के टॉप 3 सैमसंग स्मार्टफोन के वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू। ऑफलाइन मार्केट यानी मोबाइल शॉप से स्मार्टफोन लेना पसंद करते हो और लेना चाहते हो सैमसंग का नया 8GB रैम वाला स्मार्टफोन, वो भी 30,000 रुपए से कम के प्राइस में, तो थर्ड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी A52। गैलेक्सी के A52 को 26,999 रुपए के प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। गैलेक्सी के A52 का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका क्वाड रियर कैमरा सेटअप। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी के तीन कैमरे 12+5+5 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही फोन के बैक कैमरे से आप लोग 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और आप लोग सेल्फी कैमरे से भी 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि गैलेक्सी के A52 का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, खासकर कैमरे के लिए। एक अच्छे कैमरा सेटअप के साथ साथ 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो गैलेक्सी के A52 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 8GB रैम के साथ साथ आप लोगों को काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 4500mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही गैलेक्सी के A52 का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप लोगों को सिक्योरिटी फीचर के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है गैलेक्सी के A52। सैमसंग का कोई ऐसा ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो जिसको लॉन्ग टाइम तक काफी अच्छे से यूज कर सके, मतलब 5G नेटवर्क का सपोर्ट भी देखने को मिल जाए, तो सेकंड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। गैलेक्सी के M52 5G को 26,999 रुपए के प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। गैलेक्सी के M52 5G के काफी सारे एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं, पर पहला एडवांटेज है इसका पावरफुल 5G गेमिंग प्रोसेसर। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 8GB रैम के साथ साथ आप लोगों को काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, खासकर गेमिंग के लिए। डिस्प्ले सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 6.7 इंच की सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। जहां गैलेक्सी का M52 5G गेमिंग के मामले में बेस्ट है, वही ये स्मार्टफोन कैमरे के मामले में बेस्ट है, क्योंकि बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 12+5 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही फोन के बैक कैमरे से आप लोग 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, पर सेल्फी कैमरे से आप लोग सिर्फ फुल HD वीडियो ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और सिक्योरिटी फीचर के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है गैलेक्सी के M52। आप लोग भी ऑफलाइन मार्केट यानी मोबाइल शॉप से सैमसंग का नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, जिसमें गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर हो, फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा कैमरा सेटअप हो, बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले हो, तो फर्स्ट नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G। गैलेक्सी का A52s 5G काफी सारे एडवांटेज के साथ आता है। गैलेक्सी के A52s 5G को 29,999 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। गैलेक्सी के A52s 5G का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ 6.5 इंच की सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। वही गैलेक्सी के A52s 5G का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इसका फ्रंट और बैक का कैमरा सेटअप।
पैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसमें 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी के तीन कैमरे 12+5+5 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद एलईडी फ्लैश लाइट के साथ। वहीं फोन के बैक कैमरे से आप लोग 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गैलेक्सी के A52s 5G का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप लोगों को पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ फ्रंट में भी 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 4500 mAh की एक बैटरी मिल जाती है। 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और सिक्योरिटी फीचर के लिए गैलेक्सी के A52s 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत कम स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, जिसमें पावरफुल गेम प्रोसेसर के साथ साथ बेस्ट कैमरा सेटअप भी आता हो। तो आप लोगों के लिए 30,000 रुपए से कम के प्राइस में अगर आप लोग ऑफलाइन मार्केट से सिर्फ स्मार्टफोन लेना पसंद करते हो या लेना चाहते हो, तो आप लोगों को गैलेक्सी के A52s 5G को बाय करना चाहिए।